ये क्या है? हिलना मत विलेन, मैंने सब देख लिया है। मैं कोई विलेन नहीं हूँ। फिर तुम क्या हो? मैं हूँ एक सुपर हीरो और मैं अंडरकवर काम कर रहा हूँ और मुझे वॉलेट चाहिए इस दुनिया को बचाने के लिए। मैं ये नहीं मानता, प्रूव करो। क्या सच में तुम्हारे पास एक्सरे विजन है? हाँ बिल्कुल है मेरे पास, और मैं देख सकता हूँ कि तुमने एक और गन पीछे की तरफ छुपा रखी है। वाओ, मैं भी सुपर हीरो बनना चाहता हूँ। तुम मेरे पार्टनर हो, समझ गए? लेकिन सबसे पहली बात, तुमने कुछ भी नहीं देखा, ठीक है? सुनो, ये रखो, दुनिया को तेजी से बचाने में तुम्हारी मदद होगी। हाँ, मैंने झूठ बोला, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि एक झूठ बोलने की कीमत किसी की जान से चुकानी पड़ेगी। तो मैंने यही सीखा है कि सही काम करने के लिए कभी देर नहीं होती। क्या कर रहे थे तुम? मैंने कुछ नहीं किया, सच मानी, मुझे जाना है, मुझे देर हो गई। नहीं, 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 तुम कहीं नहीं जा सकते। मॉम रुको। क्या? मेरी बात सुनो, ये आदमी असल में अपने बच्चों के लिए खिलौने ढूंढ रहा है। इन्होंने मुझसे एडवाइस मांगी थी। यस यस, मैं बस एक खिलौना ढूंढ रहा था। मैंने इन्हें सुपरमैन खरीदने को कहा। हाँ, एक सुपरमैन, ओके? अब मुझे माफ कर दीजिए, मैं जल्दी पैनिक कर जाती हूँ। आजकल बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है। हाँ, आसपास बहुत से बदमाश घूम रहे हैं। सही कहा। अब मैं सुपरमैन ले लेता हूँ। पर मैं आपको वार्न करना चाहती हूँ, वैसे अब कोई फायदा नहीं है। ये सुपर हीरोज आपके घर की हर शेल्फ पर कब्जा कर लेंगे, है ना केविन? मैं इसे ध्यान में रखूंगा। रुको, रुक जाओ। क्या हुआ? यहाँ एक क्रिमिनल है। क्या? कहाँ? डॉमी, बाहर निकलो। यहाँ चेकआउट पर आदमी के पास एक हथियार है। डॉमी, बाहर आओ जल्दी। अरे आराम से। तुम एक सिक्योरिटी गार्ड हो, जाओ उसे रोको। तुम यहाँ क्यों छुप रहे हो? वो मुझे देखकर भड़क सकता है। मैं जानता हूँ कि तुम यही हो। ये मेरा पुराना पार्टनर है जिसे मेरी वजह से हटा दिया गया था, और मुझे लगता है कि वो अब बदला लेने के लिए आया है। अच्छा ठीक है, हमें निकालो यहाँ से। देखो, मैं माफी चाहूंगा पर ऐसा नहीं हो सकता। आप लोगों को यहाँ पर छुपना ही होगा, ठीक है? ओके, कम ऑन, चलो 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 चलो। हे, ये तुम क्या कर रहे हो? नीचे हो जाओ, आ जाओ जल्दी से, चलो चलो, आराम से आराम से, रुक जाओ यहीं पर, ठीक है? अभी यहीं पर रुके रहो। हे हे हे, छुप जाओ, मैंने कहा छुप जाओ। कहाँ चले गए सब? छुप जाओ। नहीं चाहता था। देखो, तुम लोग यहाँ पर एकदम सेफ हो, ठीक है? घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सुपरमैन है। क्या? धीरे बात करो। हाँ सही कहा, यहाँ सुपरमैन है, बस तुम चुप रहो। हम दोस्त हैं। मैं तुमको हर्ट नहीं करूंगा, मैं तुम्हारा भेजा उड़ा दूंगा बस। अरे नहीं, जेफरी रुक जाओ, कोई बेवकूफी मत करना वरना पछताना पड़ेगा। मुझे निकाल कर तुम पछताओगे। आराम से दोस्त, आराम से, यह एक बच्चा है, तुम उसे डरा रहे हो? मैं किसी से नहीं डरता हूँ। केविन, कोई हिलेगा नहीं। जेफरी, सुपरमैन तुम्हारी छुट्टी कर देगा विलेन। सुपरमैन, सुपरमैन कहाँ है तुम्हारा सुपरमैन? मुझे कभी झूठ का इतना पछतावा नहीं हुआ। इस बच्चे की जिंदगी खतरे में थी और मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। Hey you! ग्रेनेड को आराम से नीचे रख दो। Okay, ये बस एक प्रॉप था। मैं मजाक कर रहा था, मजाक था। इसे चेक करो। ये
सच में एक प्रॉप है। ये बस एक प्रॉप है सच में। सर आप बहुत ही बहादुर हैं। आपने इस क्रिमिनल को काबू किया वो भी इस टॉय गन से। कम ऑन। थैंक यू। गुड जॉब। हे इससे वाकई बहुत मदद मिली। मॉम देखा मैंने कहा था सुपर हीरोज रियल होते हैं। सही कहा। आपने मेरे बेटे के लिए अपनी जान खतरे में डाली। मैं इसे कैसे रीपे करूं? ओह कुछ मत कीजिए। नहीं मैं करूंगी। ये पूरी तरह से हाँ मेरा वॉलेट कहाँ गया? मैंने इसे चुराया था। क्या? मैं बस एक चोर हूं और कुछ नहीं। तो सुपर हीरो हाँ? लगता है हमें कुछ और हथकड़ियों की जरूरत पड़ने वाली है। नहीं 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 कोई चोरी नहीं हुई है। सब ठीक है। मैम आपको पूरा यकीन है? हाँ मेरा सारा सामान है। सब ठीक है। तो ठीक है चलते हैं अभी। मैं नहीं चाहती मेरे बेटे का सुपर हीरो से भरोसा उठ जाए। और वैसे भी तुमने सही काम किया है। थैंक यू। अच्छाई की हमेशा जीत होती है। एक काइंड और एक वाकई हीरोइक एक्ट ने माइकल रॉजर्स की जिंदगी बदल दी थी। एक बेघर इंसान जो मेलबर्न में रहते थे इनकी जिंदगी में बहुत स्ट्रगल था और अक्सर चोरी भी करते थे। लेकिन जब एक आतंकी ने चाकू लेकर मेलबर्न के सेंटर में सैकड़ों लोगों को धमकाया तो माइकल एक पल के लिए भी नहीं घबराए। उन्होंने उस आर्म्ड क्रिमिनल को सुपरमार्केट की कार्ट से गिरा दिया और उसके बाद वो एक पॉपुलर सुपर हीरो बन गए। निकनेम पड़ा ट्रॉली मैन। उनकी मदद के लिए लोगों ने $1,00,000 की राशि जमा की। जर्नलिस्ट से बात करते हुए उन्होंने अपने इस एक्शन को अपनी जिंदगी में किया गया सबसे पहला अच्छा काम बताया।